हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों को वही वीडियो पे, लेकिन ये इसका सेकंड पार्ट है। और मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों को दिखाया कि मैंने जो डीएक्टिवेट सिम उसको प्रीपेड से पोस्टपेड किया, अब मैं इस सिम को यूज कर रहा हूँ। तो अभी 3 हफ्ता हो चुका है, मेरे पास अभी 3 हफ्ते की बिल के मैसेज आ गया, वो मैसेज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ मैसेज पे, उसके बाद BSNL यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा नंबर भी मेंशन है। और ये मैसेज 10 दिसंबर 2019 को आया, और जहाँ पे मेंशन है कि मेरा बिल जो आया 3 हफ्ते का, वो है 132.4 रुपीज। और मैं दूसरा एक मैसेज दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे है फिर से BSNL का मैसेज, यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि डियर कस्टमर, योर दिसंबर 2019 बिल फॉर BSNL मोबाइल, उसके बाद मेरा नंबर मेंशन है, अगेंस्ट अकाउंट नंबर दिया हुआ है इज ₹132.40, क्लिक द लिंक बिलो, थैंक्स फॉर चूजिंग BSNL। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या दिखाता है। और मैं इस रिगार्डिंग ऑफिस में फोन किया था, और ऑफिसर को बोला कि मेरे पास 3 हफ्ते का बिल आया, अब मैं क्या करूंगा। और उन ऑफिसरों ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि पोस्टपेड का जो बिल होता है वो 1 महीना होगा, उसके बाद ही क्लियरेंस होता है, उससे पहले नहीं। तो ये लिंक ओपन हो गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा नाम मेंशन है, यहाँ पे मेरा एड्रेस मेंशन है, मोबाइल नंबर है। और मैं थोड़ा नीचे चले जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्रेडिट लिमिट लिखा हुआ है, वो है 2500। और ये 2500 क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो है कि ये तो है एक पोस्टपेड सिम, तो पोस्टपेड में कोई पैक एक्टिव नहीं होता, इसलिए हम इस सिम में 2500 रुपए तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद सिम अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक मतलब इससे हम और कॉल नहीं कर सकते। और उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग लिखा है कि बैलेंस ऑफ HD, यहाँ पे लिखा है 500, मतलब जो मैंने सिक्योरिटी माने के तौर पर ऑफिस में डिपॉजिट किया था BSNL के अकाउंट पे। और मैं साथ में ये भी चेक कर लेता हूँ कि ये सिम एक्चुअल में पोस्टपेड है या नहीं। तो इसके लिए मैं ओपन करूंगा अमेजोन को, वहां से मैं इसको ट्राई करूंगा। ये ओपन हो गया, उसके बाद नीचे यहाँ पे मोबाइल पोस्टपेड, और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा अपना नंबर, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया BSNL मोबाइल पोस्टपेड, उसके बाद मैं बिल में सबमिट करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा नाम मेंशन है, बिल डेट, ड्यू डेट और बिल का अमाउंट मेंशन है, मतलब ये सिम फुल्ली पोस्टपेड में है। अब मैं इंतजार करूंगा इसका 1 महीने का बिल आने का। आज का डेट है 9 जनवरी, आप लोग देख सकते हो वो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। तो आज मेरे पास न्यू बिल आ गया, तो इसके लिए मैं जाता हूँ मैसेज पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे लास्ट दो, एक 6 जनवरी को आया और एक 8 जनवरी को आया। और यहाँ पे मेंशन है कि मेरा जो न्यू बिल है, मतलब 1 महीने का, वो है 265.74। अब जाके 1 महीना हुआ, अब मैं जाकर इस बिल को पे करूंगा, और इसके बाद मैं अपना सिम जो है उसको फिर से पोस्टपेड से प्रीपेड के लिए अप्लाई करूंगा। और आज मैं ऑफिस में गया, और जो मेरा पेंडिंग बिल था उसको मैंने क्लियर किया, मेरा जो डिपॉजिट अमाउंट है उसके साथ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा आधार कार्ड का ये डिटेल्स है, और इसमें क्लियरली लिखा है कि नो आउटस्टैंडिंग ड्यू अगेंस्ट मोबाइल नंबर, उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर मेंशन है, और उसके बाद थोड़ा नीचे लिखा है पोस्टपेड टू प्रीपेड, उसके बाद सिग्नेचर है, और यहाँ पे राइट साइड में ऑफिस का स्टैम्प एंड सिग्नेचर है ऑफिसर का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो बिल ये है मेरा, वो पुराना वाला बिल, और ये मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा। और ये रहा इसका न्यू स्लिप, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए मुझे सिर्फ 20 रुपीज देना पड़ा, और यहाँ पे लिखा है कि कनेक्शन प्रीपेड, और यहाँ पे डेट है 9/01/2020। और आप लोग देख सकते हो कि फोन नंबर दोनों फॉर्म का सेम है। और इसके दूसरे साइड में हम चले जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा है RC108, और ये पैक को मुझे रिचार्ज करना पड़ा क्योंकि ये सिम अभी प्रीपेड का है, और प्रीपेड में मुझे एक पैक को रिचार्ज करना ही होगा। और ऊपर ये जो है ऑफिस का नंबर, और ये रहा वो सिम जो मुझे ऑफिस से दिया फिर से, और इस सिम के लिए मुझे देना पड़ा सिर्फ 20। और ये जो 20 रुपीज है और वो जो 108 का पैक है, ये मुझे हैंड टू हैंड कैश देना पड़ा ऑफिस के अकाउंट सेक्शन में। तो अभी मैं इस सिम को अपने फोन पे लगा कर देखूंगा कि इसमें से कॉल जाता है या नहीं। और मैं सेटिंग पे जाके चेक करता हूँ कि टावर आता है या नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेकेंड सिम BSNL शो कर रहा है, और आप लोग ये भी देख सकते हो कि ऊपर में ऑलरेडी 2 टावर शो कर रहा है। अब मैं सिंपली इससे कॉल करके देखूंगा। तो ये मैंने डायल कर दिया, और यहाँ पे सेकेंड सिम BSNL, उसके बाद लाउड स्पीकर में कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिंग जा रहा है, मतलब ये सिम पूरी तरीके से एक्टिव है और मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। और अगर किसी भी कारण से ये सिम एक्टिव नहीं होता तो मैं आपको सिम के जो कवर है उसमें दिखाता हूँ।
यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि टू एक्टिवेट फॉर टेली वेरिफिकेशन डायल 1507। तो हमें सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना होगा, उसके बाद सिम अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास भी कोई BSNL का सिम है और वो बहुत दिन पहले या फिर बहुत साल पहले डीएक्टिवेट हो गया, तो इस प्रोसेस से हम उसको फिर से डीएक्टिवेट कर सकते। तो उम्मीद करते हो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर लगता है कि इस वीडियो किसी और के साथ शेयर करना है तो जरूर शेयर करना। थैंक यू।